पिछले दो वर्षों से घाटे में चल रहे कपड़ों के व्यापारी इस वर्ष अच्छी दुकानदारी के सपने संजोकर बैठे थे, मगर बेलगाम घोड़े की तरह उछलती महंगाई ने उनके सारे सपने दीवार स्वप्न में तब्दील कर दिए। कपड़ों के आधुनिक डिजाइनों का अंबार लिए दुकानदार ग्राहक की राह तकते रह गए, मगर उन्हें ग्राहकों के कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी। मालूम हो कि असम में बोहाग बिहू के समय बाजार का सूनापन सचमुच अप्रत्याशित लगता है। यहाँ की सदियों से परंपरा रही है कि नव वर्ष के स्वागत के लिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीदे जाए। यही नहीं, इस बिहू में निकट परिजनों को नए वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट कर नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी जाती है। आपको बता दें कि लगातार दो वर्ष कोरोना की मार से जख्मी हुए व्यापार जगत के साथ वस्त्र भंडारों में बढ़ती महंगाई का ग्रहण लग जाने से इस बार बाजार में ग्राहकों की चहल पहल कम रही। अब देखना होगा कि सरकारें इन व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाती है, साथ ही इन व्यापारियों को क्या राहत देती है। को बिहू की शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस बार भी बिहू असम में धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर इस बार दो वर्षों की कोरोना की मार के बावजूद भी बाजार में वो रौनक नहीं आई है, क्योंकि एक तो महंगाई की मार पड़ी हुई है और दूसरी बारिश लगातार बारिश के चलते भी बाजार में वो ग्राहक पर नहीं है, जिससे हमें अभी तक अभी निराशा ही हाथ लग रही है। बिहू में परंपरा रही है कि सभी नए सब वस्त्र धारण करते हैं और अपने मेहमानों को, अतिथि को, सभी को वस्त्र ही गिफ्ट करते हैं, पर अभी तक बाज़ार में ऐसी कोई रौनक नहीं है जिससे लगे कि हम अपना दो साल का पिछले का बैकअप ले पाएं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।